फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने जिस ब्यूटीफुल प्लांट से मिलवा रही हूँ वो है ये स्वीट पोटैटो वाइन। ये बहुत ही सुंदर वाइन है, इसको स्वीट पोटैटो के नाम से जाना जाता है। इसकी जैसे एक तो ये ग्रीन कलर है, एक इसमें थोड़ा सा ऐसे पर्पल शेड में भी आता है, तो मेरे पास वो तो नहीं है, लेकिन ये जो वाइन है बहुत ही प्यारी वाइन है। और जैसे ये आप हैंगिंग बास्केट में मैंने ये लगा रखी है, क्योंकि ये नीचे जैसे हैंग करती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। और वैसे मोस्टली इसको ग्राउंड कवर के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और जो नीचे ग्राउंड कवर करने के लिए वहाँ पे ये जो वाइन है लगाई जाती है, लेकिन ये प्लांटर्स में भी बहुत सुंदर लगती है और हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगती है। फ्रेंड्स, जैसे अभी समर्स ज़्यादा आ जाएंगी ना, अभी तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसकी नए नए लीव्स जो निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे हो गई हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये इसकी जो मिट्टी है ये बहुत जल्दी ड्राई होती है, तो इसको डेली पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इस पर मिस्टिंग होती रहे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं होती हैं। इसलिए गर्मियों में इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, विंटर्स में ये जो वाइन है ये इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, मींस इसकी ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट की जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, ऑलमोस्ट झड़ जाती हैं, और इसकी जो डंडियां सी रह जाती हैं, तो थोड़ा सा इसको सर्दियों में भी ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां पे थोड़ी सी इसको सुबह की धूप मिलती रहे। तो अगर बात की जाए इसकी सॉइल की, तो फ्रेंड्स, इसको जो आपने सॉइल देनी है उसमें एक हिस्सा आप मिट्टी डाल दें, एक हिस्सा उसमें सैंड डाल दें, एक हिस्सा उसमें आप जो खाद है वो मिला के इसकी जो मिट्टी है वो तैयार हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी मिला ले। कोकोपीट मिलाने से क्या होगा कि इसकी जो मिट्टी है वो उसमें मॉइस्चर रहेगा, मींस इस प्लांट को मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर इसके आसपास बना रहे, इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं होंगी, तो इसलिए इसमें आप कोकोपीट मिला ले। और अगर मैं बात करूं इसकी इस मिट्टी की, तो ये बेल ड्रेन्ड हो जाएगी। बेल ड्रेन्ड मिट्टी में क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी नहीं रुकेगा, जितना प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी वो प्लांट को मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो गमले से ड्रेनेज होल से बाहर निकल आएगा। तो आपने इसकी मिट्टी ऐसी वेल ड्रेन्ड बनानी है। और बात मैं अगर करूँ इसके पानी की, तो पानी जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि विंटर्स में तो इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन जैसे अभी समर्स स्टार्ट हैं तो आप इसकी मिट्टी चेक कर ले। मैं इसको डेली पानी देती हूँ, मैंने जिस मिट्टी में लगाया हुआ है इसको, मैं इसको डेली वाटर देती हूँ और इसमें डेली सुबह पानी देती हूँ। और जैसे कभी पानी ना दूँ तो इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और इसकी जो रिज़ल्ट हैं बहुत जल्दी ये जो प्लांट है वो शो कर देता है। जैसे इसकी मिट्टी में ड्राइनेस आएगी, इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होके झड़ जाती हैं, तो इसलिए गर्मियों में आपने इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, इसको ड्राई नहीं होने देना है। और अभी जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इस प्लांट की जो पत्तियों का कलर एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो पानी का आपने इसमें ध्यान रखना है, और इसको आप टाइम टू टाइम मिस्टिंग भी करते रहे, जैसे पानी दिया तो डेली इसमें मिस्टिंग भी करते रहेंगे तो इस प्लांट को अच्छा लगता है, इसकी जैसे मिस्टिंग से इसको मॉइस्चर मिलता है तो बहुत सुंदर ये जो प्लांट है आपका निकलता है। और बात अगर मैं करूँ इसकी फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र इस प्लांट को जैसे इसकी जो पत्तियां ग्रीन कलर की हैं तो इसमें आपने नाइट्रोजन वाली जो खाद है वो देनी है। एक तो जैसे मैंने अभी, अगर आप इसको रिपोर्ट करते हो तो उसमें आप खाद मिला देते हैं, उसके बाद साल में जैसे फरवरी मार्च में और उधर आप अक्टूबर नवंबर में इसमें जैसे खाद देते हैं, तो आप इसमें बर्मी कंपोस्ट, कोडंग, मैन्यूर जो भी आप देते हो वो दे सकते हो। बट जैसे भी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में मैं प्रेफर करूँगी इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और
इसमें आप डाल सकते हैं को जो हम बनाते हैं ऑर्गेनिक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो हर 20 दिन में 15-20 दिन में इस प्लांट में आपने डाल देना है। तो इस प्लांट की फ्रेंड्स ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और आप इस एक प्लांट से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ग्रोथ इसकी अच्छी होती जाएगी इसमें नए नए जो स्टिक्स निकलेंगी नीचे से आप कट करके आप लगा सकते हैं। तो आपने इसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है। और बात मैं अगर करूं इसकी लोकेशन की तो फ्रेंड्स लोकेशन इसमें मैटर करती है। मीन्स इस प्लांट को धूप चाहिए होती है। जैसे अभी समर्स हैं तो आप इसको ऐसी जगह प्लेस करिए यहाँ पे सुबह की 2 या 3 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। आपकी जो वाइन है वो इतनी बुशी नहीं होगी, वो ऐसे लैंकी सी होगी और इतनी जो पत्तियाँ इसकी दिख रही हैं सुंदर सी वो नहीं होगी। तो इसके लिए आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको सुबह की डायरेक्ट धूप मिले। और सर्दियों में तो आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे इसको पूरे दिन की जो धूप है वो मिलती रहे, तो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपने इसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे शेड होगी आपकी धूप नहीं होगी, ये चलता तो है लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है जहाँ पे इसको सुबह सुबह की जो 2-3 घंटे की धूप है इसको मिलती रहे। और बात मैं करूँ अगर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो फ्रेंड्स इसमें ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। बट इसमें जैसे आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और इसमें आप नीम खली भी इसकी खाद में मिला के इसको दे सकते हैं, तो इस प्लांट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बात की जाए इसकी प्रोपोगेशन की तो प्रोपोगेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत इजी है। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने जैसे इसकी ये स्टिक है नीचे इसी को यहाँ से आपने कट करना है। यहाँ से कट करके इसकी आप कहीं भी किसी भी मिट्टी में उसको दबा दोगे तो फ्रेंड्स विद इन 10 to 15 days इसकी जो कटिंग है वो तैयार हो जाती है। उसके नीचे रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और आप उसको कहीं अपने वास्किट में या किसी दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं एक प्लांट क्या, मैं इसकी कटिंग लाई थी कहीं से कटिंग लाई थी, उससे मैंने ये 2-3 बास्केट तैयार करी हुई हैं और एक मेरा प्लांटर में लगा हुआ है। तो ये जो प्लांट की जो कटिंग है आप एक बार ले आओगे तो ये जो प्लांट है आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहता है। तो आपने कटिंग से ही अभी जैसे कटिंग जो गर्मियों में भी इसकी बहुत इजी लग जाती है, बट जैसे अभी रेनी सीज़न आएगा ना तो उसमें इसकी कटिंग बहुत फास्ट ग्रो करती है। तो उस पीरियड में तो हफ्ते के अंदर इसके नीचे जो रूट्स है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसकी जैसे यहाँ इसके नोट्स देख सकते हैं आप, इस नोट से इसको काट के इसकी जो कटिंग है आपने दबा देनी है। और इसको जब आपने कटिंग लगानी है तो उसको आपने ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसको धूप मिलती रहे। जब वो तैयार हो जाए तो तब इसको आपने किसी प्लांटर में शिफ्ट कर देना है। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर प्लांट है ये जो प्लांट है। इससे आप एक प्लांट से बहुत सारे जो अपने प्लांट्स हैं वो तैयार कर सकते हो। और इसमें जैसे नए नए अभी जैसे विंटर्स थी तो विंटर्स में इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी, लेकिन जैसे विंटर्स ख़त्म हुई जैसे देखिए इसकी नए नए ये जो पत्तियाँ हैं इसकी नई नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये समर्स जो है इसका ग्रोइंग पीरियड है, बट इसका जो अच्छा पीरियड है वो है रेनी सीजन। जैसे बरसातें स्टार्ट होंगी ये जो प्लांट है ना इसकी ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है। मतलब आप जैसे 2-3 दिन में ही ये जो प्लांट है आपको इसकी जो ग्रोथ है वो देखना आप स्टार्ट हो जाती है कि ये बढ़ रहा है। 2-3 दिन में ही इसकी आज जैसे देख रहे 2 पत्तियां हैं तो जैसे बरसातों में बहुत जल्दी इसकी जो पत्तियां नए नए जो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं।
और फ्रेंड्स आपने इसकी जैसे एरेशन का भी ध्यान रखना है कि ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे धूप तो मिलती रहे, साथ में इसको एरेशन भी मिले। ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पे ना तो इसको धूप मिले ना ही इसको एरेशन मिले, तो ये प्लांट इतने अच्छे से ग्रो नहीं करता है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी प्रॉपर लोकेशन, इसमें पानी, पानी भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दिस प्लांट, और इसकी मिट्टी का भी आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो, तो ये जो प्लांट है आपका बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत सुंदर लगता है। ये जो प्लांट है आपके गार्डन में बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसको अपनी कलेक्शन में ज़रूर शामिल करिए। बस फ्रेंड्स इतना ही इस प्लांट के लिए, अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और प्लांट पे कोई और बात करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।